खबर जान लीजिए आप। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन, धांधली के आरोपों को लेकर एनएसयूआई प्रोटेस्ट कर रही है इस वक्त। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, एनएसयूआई का प्रदर्शन चल रहा है और प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार भी की गई है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है, एनएसयूआई इस वक्त प्रदर्शन कर रही है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जिन्होंने गठबंधन कर ये चुनाव लड़ा था, उन्होंने नतीजे आने के बाद बीजेपी पर आरोप लगाया था कि इस चुनाव में धांधली की गई है और इस मामले को लेकर कोर्ट भी पहुंचा था, आम आदमी पार्टी कोर्ट भी पहुंची थी, कांग्रेस की तरफ से भी याचिका इस पर दायर की गई थी। लेकिन अब इसी को लेकर यहां पर किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है सड़कों पर, आपको हम दिखा रहे हैं, एनएसयूआई का ये प्रदर्शन चल रहा है और प्रदर्शनकारियों को वहाँ से खदेड़ने के लिए पानी की बौछार भी की गई। तो बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा मामला मेयर चुनाव से जुड़ा हुआ है और अब इसमें धांधली के आरोप लगे थे, एनएसयूआई का ये विरोध प्रदर्शन इस वक्त आप देख रहे हैं, जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव वीडियो, पानी की बौछार की जा रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, नौबत ऐसी आ गई है। और चंडीगढ़ में मेयर चुनाव पर ये महाभारत की तस्वीर, एनएसयूआई का प्रोटेस्ट लगातार चंडीगढ़ के सड़कों पर जारी है। मेयर चुनाव में बीजेपी पर धांधली का आरोप लगा था और उसके बाद एनएसयूआई कुछ इस तरीके से सड़कों पर उतरी और माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हुआ, तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस को एहतियातन वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। ये तस्वीरें दूसरी देखिए, पुलिस के साथ झड़प की भी तस्वीरें, हाथापाई की तस्वीरें, बहसबाजी झड़प में बदलती नजर आ रही है, हाथापाई होती नजर आ रही है। मेयर चुनाव से संबंधित ये दो तस्वीरें हैं। चंडीगढ़ में हालिया मेयर चुनाव संपन्न हुआ, नतीजे सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर धांधली के आरोप लगाए गए और अब एनएसयूआई सड़क पर उतर करके प्रोटेस्ट कर रही है विरोध में। ये तस्वीरें इस वक्त चंडीगढ़ की सड़कों से, जहां पंजाब पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। तो एनएसयूआई का ये विरोध प्रदर्शन चंडीगढ़ में चल रहा है मेयर चुनाव को लेकर, जो मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया गया था उसको लेकर एनएसयूआई का ये प्रदर्शन चल रहा है। मेयर चुनाव के नतीजों पर संग्राम चंडीगढ़ में अब तक देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ में प्रदर्शन जारी है और प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार तक की गई, जो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। तो दो तस्वीरें, मेयर चुनाव नतीजे पर संग्राम, चंडीगढ़ में प्रोटेस्ट और उसके बाद एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पे इस तरीके से पानी की बौछार की जा रही है। धक्का मुक्की पुलिस के साथ बदतमीजी करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। चुनाव नतीजे में धांधली के आरोप लगे हैं, आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर रही है और कुछ तस्वीरें इस तरीके से सामने आई थी जिसको आधार बनाकर के आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर हुई थी। और अब चूंकि जो चुनाव के नतीजे सामने आए थे, मेयर चुनाव के अरविंद केजरीवाल खुद जनता के सामने आए, उन्होंने ये कहा जिस तरीके से चंडीगढ़ में हुआ है वो लोकतंत्र की हत्या उन्होंने करार दी थी, तमाम आरोप आम आदमी पार्टी के लीडर्स की तरफ से लगाए गए थे। और आज ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं उसी चंडीगढ़ की। पवित कौर फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ। पवित, क्या स्थिति इस वक्त वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए चंडीगढ़ में चुनाव को लेकर लगातार जो है सुर्खियां बनी हुई है। इस समय भी चंडीगढ़ के राजीव गांधी भवन जो है चंडीगढ़ सेक्टर 35 में जो मौजूद है वहां पर एनएसयूआई चंडीगढ़ की जो विंग है उनके द्वारा प्रदर्शन करा जा रहा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी जो है हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी है। आपको बता दें कि लगातार जो है स्थिति जो है बिगड़ती जा रही है दिन ब दिन। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जरूर ये केस चल रहा है, बट उसके बावजूद भी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, उनकी एक ही मांग है, अगर हम बात करें यहाँ पर इंडिया अलायंस, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, तो उनकी एक ही मांग है कि अनिल मसीह जो की रिटर्निंग ऑफिसर है उनकी जल्द से जल्द उन पर FIR करी जाए और जल्द से जल्द उन पर कोई कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि 19 फरवरी को जो मामला है इससे दोबारा से सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में होनी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो चंडीगढ़ का जो इंडिया अलायंस है उनकी लगातार यही मांग है कि कोई ना कोई एक्शन जो है वो जरूर होना चाहिए। अगर हम इस समय की स्थिति की बात करें तो इस समय भी चंडीगढ़ एनएसयूआई की विंग के जो सपोर्टर्स है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनको अभी वाटर कैनन के द्वारा जो है हटाया गया, लाठीचार्ज उन पर की गई। तो लगातार जो ये स्थिति है बहुत ही गंभीर बनी हुई है, क्योंकि लगातार उनकी जो मांग यही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की कि अनिल सिंह जो रिटर्निंग ऑफिसर है चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के, जिन्होंने 8 वोट्स को इनवैलिड करा दिया था मेयर इलेक्शन में, उन्हें जल्द से जल्द पुलिस हिरासत में लिया जाना चाहिए और उनके खिलाफ FIR जो है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए पवित्र।